हेलो गाइस एंड वेलकम टू आज प्ले सुपर। ताहिर फिर से एनिमे ज्ञान देने आ गया है। आपका कोई फ्रेंड आपको कोई नया एनिमे सजेस्ट करता होगा तो उसका भाई बहुत अच्छा एनिमे है सुनने से पहले आप जानना चाहते होंगे कि वो एनिमे किस जॉनर का है, तभी आपका फ्रेंड कोई जापानीज में वर्ड बोल देता होगा और आपको समझ नहीं आता होगा क्या बोला है। इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं कि एनिमेज में ये जो इतने सारे जॉनर्स होते हैं इनका मतलब क्या होता है, ऑब्वियसली विद एग्जांपल्स। कुछ के नाम ठीक ठाक होते हैं जिन्हें समझा जा सकता है, लाइक स्पोर्ट्स, एक्शन, रोमांस, कॉमेडी एटसेट्रा। बट कुछ के नाम इतने अजीब होते हैं कि समझ नहीं आता कि किस बारे में है ये एनिमे, लाइक शोनेन, सेइनेन, याओई, यूरी, और लोग तो एचि और हेंटाई के बीच भी कंफ्यूज रहते हैं। सो लेट्स बिगिन। शोनेन, शुरू करते हैं सबसे पॉपुलर जॉनर से। इस जॉनर के टारगेट होते हैं यंग बॉयज, लाइक इन द एज रेंज ऑफ 10 to 18। इनमें मोस्टली एक्शन और एडवेंचर होता है। इस जॉनर के कुछ एनिमे हैं नारुतो, वन पीस, फेरी टेल, ब्लीच, ड्रैगन बॉल जी, शोजो। जिस तरह से शोनेन यंग बॉयज के लिए होता है उसी तरह शोजो एनिमेस की टारगेट होती है यंग गर्ल्स इन द सेम एज रेंज। इनमें मोस्टली रोमांस और कॉमेडी होता है। इससे कुछ एग्जांपल्स हैं सेलर मून क्रिस्टल, गेकान शोजो, नोजाकी कुन, आओ हारू राइड, रेवोल्यूशनरी गर्ल उतेना एंड प्रिटी क्योर। सेइनेन, सेइनेन का टारगेट होते हैं एडल्ट मेल्स, लाइक इन द एज रेंज ऑफ 18 to 40। इसमें ऑब्वियसली शोनेन से ज्यादा मैच्योर कंटेंट होता है एंड ज्यादातर एक्सप्लिसिट कंटेंट भी इसमें पोर्ट्रे किया जाता है, लाइक गोरे, सेक्स एंड वॉयलेंस, एज वी कैन सी इन अटैक ऑन टाइटन। इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं बर्जर्क, मॉन्स्टर, अटैक ऑन टाइटन, एर्गो प्रॉक्सी, फेट जीरो, जोसेई। जैसे सेइनेन एडल्ट मेल्स के लिए होता है वैसे ही जोसेई का टारगेट होती है एडल्ट फीमेल्स इन द सेम एज रेंज। इस जॉनर में मोस्टली रोमांस होता है जो कि शोजो से ज्यादा मैच्योर और रियलिस्टिक होता है, बट स्टोरी हमेशा रोमांस बेस्ड नहीं होती, दूसरे टॉपिक्स पर भी हो सकती है। इसके कुछ एग्जांपल्स हैं प्रिंसेस जेलीफिश, चिहाया फुरू, पैराडाइज किस, नात्सुयुकी रेंडेवू, नोदामे कैंटाबिल, कोदोमो मुके। दिस इज द जॉनर व्हिच इज मेड फॉर किड्स। इस जॉनर को बचपन में नॉर्मीज देखकर बोलते हैं कि एनिमे इज फॉर किड्स। दिस जॉनर हैज डोरेमोन, कितेत्सु, पोकेमोन, बेब्लेड एंड डिजिमोन। एची, वन ऑफ द नोज ब्लीड जॉनर। बहुत लोग एची को हेंटाई समझते हैं बट एची हेंटाई नहीं है। हाँ, इसमें भी सेक्सुअल कंटेंट होता है बट हेंटाई से काफी माइल्ड होता है। एची में जेनिटल्स नहीं दिखाते, कुछ एचीज में बूब्स दिखा देते हैं, बट ऑन द अदर हैंड हेंटाई इज जस्ट एनिमेटेड पॉर्न वेदर सेंसर्ड और नॉट। इसके कुछ एग्जांपल्स हैं हाई स्कूल डीएक्सटी, हाई स्कूल ऑफ द डेड, प्रिजन स्कूल, शिमोनिता, रीडुआ फिलर। रीडुआ फिलर तो एची के मास्क में हेंटाई है। हारेम, हारेम का मेन कॉन्सेप्ट होता है एक लड़का इज सराउंडेड बाय मेनी गर्ल्स, जो कि मोस्ट लड़कों की फैंटेसी भी होती है, इसलिए ये जॉनर एची और हेंटाई का थीम भी होता है। इसके कुछ एग्जांपल्स हैं हाई स्कूल डीएक्सटी, क्विंटेसेंशियल क्विंटअपलेट्स, रीडुआ फिलर, टू लव रू, वर्ल्ड्स एंड हारेम, रेंट अ गर्लफ्रेंड। हाँ, रेंट अ गर्लफ्रेंड रॉम कॉम है बट धीरे धीरे ये भी हारेम में कन्वर्ट होने लगा था। रिवर्स हारेम, जैसा कि नाम से पता चल रहा है ये हारेम का अपोजिट है। इसमें एक गर्ल इज सराउंडेड बाय मेनी बॉयज बट ये मोस्टली रोमांस और कॉमेडी पर बेस्ड होता है। इससे कुछ एग्जांपल्स हैं प्री टीयर, ओरान हाई स्कूल होस्ट क्लब, उतानो प्रिंस सामा, फ्रूट्स बास्केट, द वॉल फ्लावर, इसेकाई। हाँ, मेरे को जैपनीज आती है, इसेकाई का मतलब होता है अनदर वर्ल्ड। इस जॉनर का मेन कॉन्सेप्ट होता है कि मेन कैरेक्टर किसी वजह से एक वर्ल्ड से दूसरे वर्ल्ड में ट्रांसफर हो जाता है। मोस्टली ऐसा एक ट्रक से ठुकाने पर होता है, वीप सोशल मीडिया पर इसे ट्रक कुन बोलते हैं। और ये नया वर्ल्ड मोस्टली कुछ सेंचुरीज पहले के यूरोप जैसा दिखता है, किंगडम्स, फोर्ट्स, डीमंस, मैजिक्स, हीरोज, नाइट्स एटसेट्रा। इसके कुछ एग्जांपल्स हैं जॉबलेस रीइंकार्नेशन, कोनोसुबा, रीजीरो, सॉर्ड आर्ट ऑनलाइन, द टाइम आई गॉट रीइंकार्नेटेड एज अ स्लाइम। और जैसा कि मैं हमेशा कंप्लेन करता हूं कि इसेकाई के नाम इतने लंबे क्यों होते हैं, इस वजह से लोग इनके नाम को शॉर्ट कर देते हैं, लाइक कोनोसुबा राशि इसेकाई नि शुकुफुकु, वो बन जाता है छोटा सा कोनोसुबा। मेका, मेका में बड़े रोबोट्स होते हैं, ह्यूमंस इनके अंदर जाकर ऑपरेट करते हैं और इस तरह दूसरे रोबोट से लड़ते हैं, एज वी कैन सी इन गुरेन लगान, एवेंजेलियन, फुल मेटल पैनिक, कोड गियास, मोबाइल सूट गंडम। स्लाइस ऑफ लाइफ, अब ये स्लाइस ऑफ लाइफ क्या होता है, इसके नाम से इसके बहुत सारे मतलब निकाले जा सकते हैं बट जो करेक्ट वाला इंटरप्रिटेशन है उसमें इसकी सेटिंग होती है कि इसमें कुछ फैंटेसी वाली चीजें नहीं होती, मेनली रियल लाइफ से रिलेटेड प्लॉट होता है। इसमें रोमांस भी देखने को मिल जाता है, योर लाइन अप्रैल, योर नेम, अनोहाना, नीची जो, ए साइलेंट वॉइस। ईआर शिकेई एनिमेज होते हैं हीलिंग एनिमेज, होलसम वाला कंटेंट। जब तुम लोग फक्ड अप हेंटाई देखकर मेंटली इल हो गए हो तब इस जॉनर के एनिमे देखना। इस जॉनर के एनिमे हैं माय नेबर दोरोरो, यूरो कैंप, स्वीटनेस एंड लाइटनेस, ड्रैगन मेड, नोन नोन बियोरी, रोमांस। इसके बारे में तो कुछ बोलने की जरूरत है नहीं, नाम ही काफी है इसका। इसके एग्जांपल्स हैं 5 cm/s, योर लाइन अप्रैल, तोरा दोरा, वेदरिंग विथ यू, गार्डन ऑफ वर्ल्ड्स, कॉमेडी। इसके बारे में भी कुछ समझाने की जरूरत नहीं है, इसके एग्जांपल्स हैं जिंतामा, आई एम साकामोतो, पेस डैंडी, डेली लाइफ्स ऑफ हाई स्कूल बॉयज, नीची जो, रोम कॉम। जैसा कि नाम से पता चल रहा होगा इस एनिमे में रोमांस और कॉमेडी होती है। दिस जॉनर हैज रेंट अ गर्लफ्रेंड, कागुया सामा, लव इज वॉर, वो ता कोई, लव इज हार्ड फॉर ओताकू, टीजिंग मास्टर तकागी सान। शोनेन आई, शोनेन आई का मतलब होता है बॉयज लव, मोस्टली इनमें यंग बॉयज और उनके बीच रोमांस होता है। इस जॉनर के एनिमे है हाइब्रिड चिल्ड्रेन, गाकुएन हेवन, यूरी ऑन आइस, द हाई स्कूल लाइफ ऑफ फुदांशी, दिस बॉय कॉट ए मरमैन। शोजो आई, शोनेन आई की तरह शोजो आई का मतलब होता है गर्ल्स लव और इसमें भी यंग गर्ल्स के बीच का रोमांस होता है। इसके एग्जांपल्स हैं
आओई हाना, ब्लू ड्रॉप, बर्स्ट एंजल, मारिया वॉचेस ओवर अस एंड सर्वाइवर गेम क्लब। याओई, याओई में भी शोनेन आई की तरह गे रिलेशनशिप्स होती हैं, बट इसमें काफी एक्सप्लिसिट सीन्स भी होते हैं और इंटीमेसी पर भी इंफेसिस होता है, और ये शोनेन आई से ज्यादा मैच्योर भी होता है। इसके एग्जाम्पल्स हैं जुनजो रोमांटिका, ग्रेविटेशन, सुपर लवर्स, दिस बॉय इज अ प्रोफेशनल विजार्ड, लव स्टेज, यूरी। जो रिलेशन याओई और शोनेन आई में है बिल्कुल वही रिलेशन यूरी और शोजो आई में भी है। इन अदर वर्ड्स यूरी याओई का फीमेल वर्जन है। इस जॉनरा के एनिमेज हैं यूरी कुमा आराशी, साकुरा ट्रिक, स्ट्रॉबेरी पैनिक, कान्नाजुकी नो मिको, सिमोन, एडवेंचर। इसका भी नाम ही काफी डिस्क्रिप्शन के लिए। इस जॉनरा में आते हैं वन पीस, फेरी टेल, हंटर एक्स हंटर, किनोस जनरी, स्पाइस एंड वोल्फ। मिस्ट्री, इस जॉनरा में डिटेक्टिव कॉनन, ह्योका, ईडन ऑफ द ईस्ट, तांतई ओपेरा, मिल्की होम्स, गोसिक। साइकोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल एनिमेज में माइंड गेम्स होते हैं। आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए। इनमें कैरेक्टर्स के एक्सट्रीम साइकोलॉजिकल स्टेट्स पर फोकस किया जाता है, और ये कैरेक्टर्स एक दूसरे से माइंड बैटल्स भी करते हुए दिखेंगे, लाइक वी कैन सी इन डेथ नोट, मिराई निकी, जेत्सुएन नो टेम्पेस्ट, मॉन्स्टर, पैरानोया एजेंट, स्पेस। हर साईफाई फैन को स्पेस जॉनरा भी पसंद होता है। इस जॉनरा के एनिमेज हैं आउटलॉ स्टार, कॉबॉय बीबॉप, स्पेस डैंडी, प्लैनेटिस, बोडाशियस स्पेस पायरेट। म्यूजिक, इस जॉनरा का नाम ही इसका डिस्क्रिप्शन देने के लिए काफी है। इस जॉनरा में आते हैं के ऑन, बैक, डेट्रॉइट मेटल सिटी, योर लाइन अप्रैल, आइडल मास्टर। स्कूल, इस जॉनरा के आजकल बहुत सारे एनिमेज बनते हैं। इसमें मेनली स्कूल लाइफ, कॉमेडी और थोड़ा ड्रामा होता है, लाइक इन अनसात्सु क्योशित्सु यानी कि एसेसिनेशन क्लासरूम, ग्रेट टीचर ओनिजुका, तोरा दोरा, स्कूल रंबल, माय टीन रोमांटिक कॉमेडी। स्पोर्ट्स, इस जॉनरा में आते हैं हाइक्यू, एस ऑफ डायमंड, स्लैम डंक, कुरोकोस बास्केटबॉल, फ्री, अदर्स। और भी कुछ जॉनराज हैं लाइक साईफाई, मैजिक, एक्शन, थ्रिलर, सुपरनेचुरल, ड्रामा, हॉरर, फैंटेसी एटसेट्रा। इनके बारे में तो तुम जानते ही होगे, कुछ बताने की जरूरत है नहीं। उस फालतू की इन्फॉर्मेशन की वजह से इस वीडियो को लंबा करने से कोई फायदा नहीं है। सो ये वीडियो यहीं खत्म हुआ। नेक्स्ट वीडियो में मैं ज्ञान दूंगा ओताकू वोकैबुलरी के बारे में। सो चैनल सब्सक्राइब कर लेना ताकि नेक्स्ट वीडियो आने पर आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और इसी तरह दूसरे एनिमे वीडियोस पसंद करते हो तो हमारी एनिमे प्लेलिस्ट चेकआउट करो। वीडियो को शेयर करो एनिमे फैंस के साथ ताकि वो भी ज्ञानी बन जाए। सारी इन्फॉर्मेशन अपने पास मत रखो। सी यू नेक्स्ट टाइम।